नमस्कार, आज तक पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ चित्रा त्रिपाठी। नए साल की सुबह हो चुकी है और ये सुबह एक उम्मीद भी जगा रही है। सरकार और किसानों के बीच जो गतिरोध बीते 35 दिनों से ज्यादा वक्त से चला आ रहा है, क्या वो गतिरोध अब खत्म होने की कगार पर है? क्योंकि नया साल शुरू होने के पहले ही 4 में से 2 मांगे सरकार ने मान ली हैं, 2 मांगे बाकी हैं। 4 तारीख को दोपहर 2 बजे सरकार और किसान एक बार फिर से आमने सामने होंगे, तो क्या ऐसे में बीच का रास्ता निकल जाएगा? क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सामने आकर किसानों को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि देखिए, हमें दीवारें नहीं ब्रिज चाहिए, वो ब्रिज जो एक दूसरे को जोड़ सके, और एग्रीकल्चर रिफॉर्म यही है। यकीनन इससे उम्मीदें कहीं ज्यादा बढ़ जाती हैं। ऐसे में सरकार क्या नए साल के शुरुआती हफ्ते में ही जो आंदोलन बीते कई दिनों से जारी है उसको खत्म करा लेगी? आज हरियाणा के भिवानी जिले के गागड़वास गांव से इसी बात की करने वाले हैं हम बड़ी पड़ताल। दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर हरियाणा के इस गांव की आवाज आप सुनेंगे तो समझेंगे कि समाधान से कितनी दूर है केंद्र सरकार। राम राम दादा, कैसे हैं आप लोग? क्या बना रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे बच्चों के लिए चाट है, दूध है। अच्छा, इसको उबाला जा रहा है गोंठे पे। आज तक सीधे किसानों तक पहुँचा, गांव के खेतों में, गांव की उन सड़कों पर जहाँ इन दिनों ट्रैक्टर खेत की तरफ नहीं राजधानी की तरफ बढ़ते दिखे। कॉन्ट्रीब्यूट भी करते हैं जो आंदोलन में किसान शामिल हैं, ताकि उनके खाने पीने की दिक्कत ना हो और राशन पानी पहुंचाया जा सके। हमारे यहाँ पे मैडम, जैसे दूध है किसान के घर से, आटा है, दाल है, और सर्दी में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है टेम्परेचर की, उसके लिए लकड़ियाँ हैं। अच्छा। हमारे यहाँ से उसमें ट्रैक्टर में पिकअप डालना, में इनमें ये सब डाल के कंटिन्यू गांव वाइज दिल्ली बॉर्डर तक पहुँचाते हैं आप? पहुँचाते हैं। अच्छा। हाँ, सारा सामान सब कुछ इकट्ठा करके गांव-गांव से वो वहाँ तक पहुँचाते हैं। गर्म वस्त्र वगैरह भी उनसे खरीद के वो भी पहुँचाते हैं, वो भी पहुँचाते हैं। आज तक ने गांव के नुक्कड़ पर, गांव की महिलाओं तक, गांव के बच्चों तक, और तो और गांव के बुजुर्गों के दिल की बात सुनी। उनके हाथ देखो, 90 साल उम्र है। जिसे जमींदार के हक में नहीं है उनमें कोई भी बात, और अगर सरकार नहीं मानती तो हम आगे की जो भी रणनीति बनाएंगे, आंदोलन करें, रणनीति बनेगी, हम हटेंगे नहीं। आप इसी गांव से हैं, 90 साल आपकी उम्र है? 90 साल है, गागड़वास सरपंच। आप खेती करते हैं, आप अपने हाथ दिखा रहे थे कि ये पूरे खेती किसानी करते हुए आपके हाथ बिल्कुल ऐसे हो गए हैं। रोना आता है मेरे को, किसान की इतनी बुरी हालत है जिसको समझ नहीं जाते। केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों के मोर्चे के पीछे क्या बैकडोर से पॉलिटिकल एजेंडा सेट है, इसका जवाब आज आपको मिलेगा। हम आगे जब बढ़ेंगे इस कानून को ये तोड़ेगा, कानून न टूटेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ा। किसानों को लेकर जो दावे किए गए या किए जा रहे हैं, आज किसानों को लेकर सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। आप लोगों का कहना है कि किसानों से पहले राय नहीं ली। वो दुकान किसकी है? आपकी दुकान है। अच्छा, कितने कमाई हो जाती है आपकी? चल जाता जी, दाल रोटी का। दाल रोटी चल जाता। तो यहाँ गांव से भी ज्यादातर लोग वहाँ पर आंदोलन में बैठे हुए हैं। हर गांव से चंदा जा रहा है, हर चीज जा रही है। क्या मोदी सरकार के खिलाफ किसानों में गुस्सा है या किसानों को बहकाया गया? अगर ऐसा है तो किसानों का दृष्टिकोण समझना जरूरी है। तो आप लोग मतलब नहीं मानेंगे, आप ये कह रहे हैं कि आप नहीं मानेंगे? नहीं, सुधार के लिए हमने सरकार को चुना था, उनके अच्छे सुधारों को मानने भी गए। अच्छा, सरकार सुधार नहीं कर रही है आपको लग रहा है? नहीं, सरकार सुधार करिए, इनमें सुधारों में और सुधार की जरूरत है, और ज्यादा सुधार की जरूरत, ज्यादा सुधार की जरूरत है। नहीं मांगेंगे तो हटेंगे नहीं मैडम। सॉल्यूशन के डायरेक्शन में क्या अभी भी रोड़ा है, और अगर है तो वो क्या है?